सीबीएसई पेपर लीक में कार्रवाई हुई है। क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाहरी दिल्ली से 2 टीचर और 1 ट्यूटर को गिरफ्तार किया गया है। तौकीर, ऋषभ और रोहित नाम बताया जा रहा है इन आरोपियों का। ऋषभ और रोहित एक प्राइवेट टीचर है, दोनों पर तौकीर को पेपर देने का आरोप है। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीबीएसई पेपर लीक मामले में लगातार पूरे देश में छात्र छात्राएं इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स के 10th के और इकोनॉमिक्स के 12th के पेपर्स दोबारा होने की बात है और इसको लेकर छात्र छात्राएं तैयार नहीं है। वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि आखिर जब गलती सीबीएसई की है, पेपर लीक की गलती की सजा आखिर छात्र क्यों भुगते। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 टीचर बताए जा रहे हैं, 1 और भी टीचर है, ट्यूटर है। और हमारे संवाददाता रिजवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। रिजवान, तो पूरे देश में छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच ये बड़ी कार्रवाई हुई, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और बताया भी जा रहा है कि दिल्ली रीजन में ही ये पूरा जो पेपर लीक का गोरख धंधा था वहां से ही शुरू हुआ था। जी देखिए, बड़ी कामयाबी है क्राइम ब्रांच के लिए, क्योंकि पिछले 5 दिनों से क्राइम ब्रांच दिन रात एक करके पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और उसके बाद से अब 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। जो 2 टीचर हैं उन पर आरोप है कि पेपर शुरू होने से पहले उन्होंने पेपर को खोला, उसका जो इन्वेलप होता है उसको खोला, उसके बाद से जो ट्विटर जो कोचिंग सेंटर चलाता है उसको उन्होंने शेयर कर दिया, उसके बाद से ये पूरा पेपर जो है वो सर्कुलेट हुआ था। और अगर पूरी कार्रवाई की बात करें तो कल ही क्राइम ब्रांच ने जीरो इन कर लिया था, इलाका आउटर दिल्ली को फोकस किया था, आउटर दिल्ली के स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स पर पुलिस ने छापेमारी की थी, छात्रों से पूछताछ की थी, और उसके बाद से देर रात को इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब क्राइम ब्रांच इनसे पूछताछ के बाद से जाँच को आगे बढ़ाने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर मानना है कि ये जो पूरा सर्कुलेशन का सर्कल है ये यहीं पर नहीं रुका होगा, क्योंकि और आगे भी बढ़ा होगा। और इसके अलावा एक सोनीपत के रहने वाले कस्टोडियन को भी क्राइम ब्रांच ने आइडेंटिफाई किया है। बताया जा रहा है कि ये कस्टोडियन जो है वो सीबीएसई का कर्मचारी है और पेपर प्रिंट होने के बाद से उसी की कस्टडी में रखे गए थे, उसके बाद से एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचे हुए थे। जी बिल्कुल रिजवान, और सबसे जरूरी यही है कि आखिर ओरिजिन कहां से हुआ पेपर लीक का, वो जानना कि सबसे पहला जो पेपर लीक हुआ वो किसकी गलती से हुआ या फिर किसकी साजिश थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए रिजवान।